बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रिलीज किए जाने को लेकर विवाद अभी गरमाया हुआ है। बताया जा रहा है कि विवेक ओबेरॉय की स्टारर मूवी 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, पर कई दूसरी पार्टियों ने इसे सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। इसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग में फिल्म की रिलीज को लेकर रोक लगाने की मांग की है। इन विवादों के बीच अब इस विवाद पर चुनाव आयोग का फैसला आ गया है। ईसी का कहना है कि उसे पीएम मोदी की बायोपिक से कोई आपत्ति नहीं है। ईसी ने इस पर सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीएफसी ने मूवी को सर्टिफिकेट दे दिया है, अब ये मूवी 5 अप्रैल को रिलीज होगी या नहीं ये तय करना हमारा काम नहीं है। ईसी ने साफ कहा है कि मूवी की रिलीज डेट तय करने में हमारी भूमिका नहीं है। साथ ही ईसी ने ये पूरी तरह से साफ करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान फिल्म रिलीज होना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। बता दें कि इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म को रोकने के लिए दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था, तो वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस फिल्म की रिलीज पर रोक से इनकार कर दिया था। खैर, चुनाव आयोग ने कोर्ट में तो पक्ष अपना रख दिया है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों की इस मांग वाली शिकायत पर अब तक कोई प्रतिक्रिया या आदेश नहीं दिया है। खैर, जनता के लिए खुशखबरी हो सकती है कि चुनाव से पहले वो पीएम मोदी की ये फिल्म देख सकेंगे। इधर भाजपा के लिए इस मूवी का रिलीज होना चुनाव के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, तो वहीं कहीं ना कहीं बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए ये घाटे का फैसला हो सकता है। SPN9 न्यूज़ से नेहा की रिपोर्ट।